मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि जो लुटेरे आए उन्होंने आकर के यहाँ पर अत्याचार किया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी और जो संतान पैदा की उसका हिस्सेदारी दिखाया तो लिखना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। मैं कह रहा हूँ बंटवारे पर जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है, इसका किसी के पास कोई जवाब है? कभी भाई नहीं हो सकता है किसी भी स्थिति के अंतर्गत में, वो केवल भाईचारे की बात करता है, हिंदुओं को चारा मानता है, जहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ जाती है हिंदुओं को वहाँ से अपना पलायन करना पड़ता है। कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि जो लुटेरे आए उन्होंने आकर के यहाँ पर अत्याचार किया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी और जो संतान पैदा की उसका हिस्सेदारी भी मांगी, हमने हिस्सेदारी भी देगी, हमने हिस्सेदारी भी देगी, हमने हिस्सेदारी भी देगी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अभी से आगे कोई भी बंटवारा ना हो इसके लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत जरूरी है। कर कौन रहा है हिंदू राष्ट्र मांग, अगर मुस्लिम आएगा तो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना, इसलिए पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, संविधान में संशोधन करना है, इसी कारण से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा, संविधान में क्या लिखा है? संविधान में भी लिखा है कि हिंदू राष्ट्र, हाँ होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, नहीं लिखा है तो लिखना चाहिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। मैं कह रहा हूँ बंटवारे पर जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है, इसका किसी के पास कोई जवाब है? आज अगर बंटवारा नहीं होता और वो फैसला नहीं होता विश्व पावर होता, विश्व गुरु होता, लेकिन हमारा देश इसी हो रहा है क्योंकि सब लोग जाति बात और धर्म बात, खालिस्तानी कह रहे हैं कि हमें दो हमारा अलग खालिस्तान, इस्लाम कह रहा है कि हमें अलग पाकिस्तान दो, भुगत रहा अभी भी उसके हाल देख लो, और हिंदुस्तान देख लो आज हमारे कितना के। दूसरी बात ये है अगर सभी धर्म अपने अपने अलग राष्ट्र करेंगे, हमें इस्लामिक दे एकता वाला देश, जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको सेकुलर कर दीजिए ना, ये सेकुलरिज्म की बात किसी देश में जाकर कही है? डिमांड आप जाके वहाँ पे पहुंचाइए अपनी बात, मैंने कह दिया ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा और है और बनेगा और घोषणा होगी और चाहिएगा, लेकिन आजादी के टाइम भारत सेकुलर देश था, ऐसा वो केवल भाई भाई की बात कर रहे हैं, मुसलमान कभी भाई नहीं हो सकता है किसी भी स्थिति के अंतर्गत में, वो केवल भाईचारे की बात करता है, हिंदुओं को चारा मानता है, जहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ जाती है हिंदुओं को वहाँ से अपना पलायन करना पड़ता है। कश्मीर को देखिए, बंगाल को देखिए, केरला को देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने से फायदा कितना दीजिए? हम शांति से रहेंगे, हम शांति से रहना चाहते हैं, हम अपने अशांति मुसलमान फैला रहे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं चक्कर में मैं कह रहा हूँ भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें, और उसकी मुहिम है हमारी 15 अगस्त को हमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मोदी जी से प्रार्थना है, पूरी जनता आपके साथ है, पूरा देश साथ है, पूरा देश साथ है, इसमें कोई शंका नहीं है, घर घर से आवाज उठ रही है और जब ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा मैं तो वकीलों से बात करती हूँ, हिंदू राष्ट्र को लेकर लिखेगा, अब लिख जाएगा, संशोधन हो जाएगा, जल्दी करिए, संविधान में कोई बात नहीं है, संशोधन हुआ है तो संविधान में संशोधन होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फूट डाल रहे सर, पूरा हाँ ये मेरे हिसाब से इस तरह से हम बिल्कुल फूट नहीं डाल रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कानून बने और जो की व्यर्थ का जो प्रदूषण बंद होना चाहिए, बताइए कौन सा फायदा नहीं नुकसान बताइए, हिंदू राष्ट्र से नुकसान करने लगेंगे, कोई नहीं करेगा दादागिरी, कोई भी फूट नहीं करेगा, संविधान में संशोधन करेंगे, संशोधन बार बार होता रहा है, बार बार संशोधन होता रहा है और संशोधन